बीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी शिवराज को सीएम फेस घोषित क्यों नहीं कर देती है, क्या सीएम फेस के नाम से भाजपा को हार का डर लगता है। कांग्रेस नेता कमलनाथ भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक बार फिर कमलनाथ ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम फेस के लिए शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान क्यों नहीं करती भाजपा, क्या ऐसा करने से भाजपा को हार का डर सता रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बंटी साहू को निशाने पर लेते हुए कमलनाथ ने कहा कि बंटी साहू का इतिहास पता करिए, वो क्या है सब पता चल जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा ने बंटी साहू को छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सब बीजेपी को कहें, अगर बीजेपी घोषित कर दे उनको मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करते। मैं तो पूछ रहा हूँ, साफ प्रश्न है, बीजेपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते, क्यों इसमें शर्मा रहे हैं या पछता रहे हैं। छिंदवाड़ा से फिर चुनाव लड़ने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मुझे न हारने का डर है और न ही चुनाव लड़ने का शौक, सभी लोगों ने बोला इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कमलनाथ ने भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट देने पर कहा कि भाजपा से आए उन्ही नेताओं को टिकट दिया गया है जिनके साथ हमारा संगठन है। बीजेपी से हमने उन लोगों को लिया जहां हमारी पार्टी राजी थी। आप लोग खुद देखा कि जो बीजेपी से आया उसके साथ कांग्रेस का संगठन साथ आया, पर कोई ऐसे हेलीकॉप्टर से आ जाए ये मैंने नहीं होने दिया। कांग्रेस का संगठन आपने देखा, साथ बैठा था, मंच बैठा था और सामने था। तो कांग्रेस की संगठन को जहां सहमत हुए, वही बहुत सारे ऐसे बीजेपी के हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं पर अपना संगठन सहमत नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।